हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे लीगल टर्म्स। एंड आज का जो वर्ड्स होगा लीगल टर्म्स का, वो स्टार्ट होगा विद द लेटर ए। सो इन एग्ज़ाम क्लैट जैसे एग्ज़ाम में और डीयू एलएलबी में और बीएचयू एलएलबी में बहुत सारा क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछा जाता है, दैट इज़ द लीगल टर्म्स। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ द अबेट। अबेट का मतलब क्या है? टू असिस्ट और एड इन ए कमीशन ऑफ द क्राइम। जो क्राइम हुआ है उसमें जो सहायता करता है, जो असिस्ट करता है जो पर्सन, उनको बोलते हैं अबेटर बोलते हैं हम। उनको अबेटर बोलते हैं। जो क्राइम किया उसको जो सहायता किया, जो हेल्प किए, उनको बोलते हैं अबेटर। और जो हेल्प करने का जो ये जो कार्य है इसको बोलते हैं अबेट करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबॉर्शन। एबॉर्शन ये मेडिकल टर्म में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये है एक आर्टिफिशियल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो एबॉर्शन इज़ परमिटेड ओनली इफ़ डन अंडर द एडवाइस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अदरवाइज इट विल बी काउंटेड एज एन ऑफेंस। इसमें क्या बोला है, जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके परमिशन लेकर, उनका एडवाइस लेकर जब करते हैं वो है लीगल है। वो जो एबॉर्शन है वो है लीगल, वो परमिटेड है, उसको परमिट किया जाता है। मगर विदाउट परमिशन आप किए हो, दैट ऑफेंस विल बी एन ऑफेंस, उसको बोलेंगे एक ऑफेंस। नेक्स्ट इज द एब्सकॉन्डिंग। जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। किस चीज़ को हम एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं और किसको हम बोलते हैं एब्सकॉन्डर? एब्सकॉन्डर वो पर्सन होता है जो क्राइम करने के बाद वो पर्सन क्या होगा, वो हाइड करेगा, कहीं पे ना कहीं वो हाइड करेगा, वो छुपेगा, अरेस्ट से बचने का कोशिश करेगा, लीगल प्रोसीडिंग वो अटेंड नहीं करेगा, इसलिए से भागा वहाँ से, क्राइम सीन से भागा हुआ जो व्यक्ति है उनको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। द प्रोसेस इज मिस द, वो चीज़ होता है इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, और जो पर्सन जो भागता है क्राइम सीन से उसको बोलते हैं हम एब्सकॉन्डिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है, अगला वर्ड है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लॉ ऑफ टॉर्ट में। एंड इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट लायबल कौन सा पर्सन को बोलेंगे हम, वो क्राइम जो किए हुए हैं वो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो उसके साथ अटैच्ड है। किसको बोलेंगे, जस्ट एक उदाहरण से देखेंगे। जो एक पर्सन है, ए पर्सन के पास एक स्टोरेज हाउस है, यहाँ पे किया बहुत सारा डेंजरस मटेरियल, और ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में वो सारा जमा किया, रखा हुआ है स्टोरेज हाउस में। अब कोई घटना घटे एंड उसमें क्या होगा, पूरा चीज़ जल जाए, और उस चीज़ जलने से क्या होता है, वो हैजर्डस चीज़ और डेंजरस चीज़ जलने से उनका जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी का लॉस पर इंजुरी होता है। इंजुरी जो होता है वो पड़ोसी का होता है बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ ए, अर्थात बोल सकते हैं जो ए का केयरलेसनेस के वजह से ये हुआ, इसलिए ये बोला जाएगा ए का क्राइम है एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें। द क्राइम दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी बिकॉज ऑफ कीपिंग द हैजर्डस मटेरियल ऑन हिज लैंड। जो हैजर्डस मटेरियल वो रखे हैं इसके वजह से वो घटना घटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ द एब्सोल्यूट प्रिविलेज। जुडिशियल और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्या होता है, जो जज होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और जो राज्य आईन सभा है, जो जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों जो एमपी जो जज लोग हैं वो कोई स्टेटमेंट दें एंड उस स्टेटमेंट में कोई डिफामेटरी चीज़ है, डिफामेशन मीन्स मानहानि मामला है, मानहानि कर कुछ कुरुचिकर मंतव्य और स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस समय उनके अगेंस्ट अदालत में नहीं जा सकेंगे बिकॉज सू नहीं कर सकेंगे उनका अगेंस्ट में, बिकॉज ऑफ दे हैव द पावर, उनके पास एक पावर है, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड जो है, अगला वर्ड है हमारे पास, ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का अब्यूज़ करना,
कोई एक लीगल प्रोसेस है उसका एव्यूज करना, सम कोई व्यक्ति को हैरस करने के लिए, हैरस करने के लिए आप फॉल्स कंप्लेन पुलिस में लॉज जब करेंगे, तब वो जो ऑफेंस होगा इसको बोले हैं एब्यूज ऑफ प्रोसेस. मीन्स यू हैव एब्यूज द होल प्रोसेस. जो लीगल प्रोसेस होता है उसको आप एब्यूज किए हुए, क्योंकि आप उनका जो निर्दोष व्यक्ति है उनके अगेंस्ट एक फॉल्स केस और एक फॉल्स कंप्लेंट यू हैव लॉज्ड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज द एक्सेप्टेंस. सो एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट को जो लॉज है उसमें क्या है, एक पार्टी क्या करता है, ऑफर देता है और दूसरा पार्टी जो बी है वो ऑफर लेता है. सो एक का काम है, एक पार्टी का काम है ऑफर देना और एक पार्टी का काम है ऑफर लेना. सो इस टोटल प्रोसेस में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन थोप कर नहीं होगा, पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो ये अनकंडीशनल है. सो जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड होगा, जब होगा तब एक पार्टी क्या करेगा, ऑफर देगा और एक पार्टी क्या उस ऑफर को लेगा. सो इसको लेने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस प्रोसेस इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सीडेंट. एक्सीडेंट इसको बोलते हैं एन अनफॉर्सिन और अनइंटेंडेड एक्ट विच कॉज इंजुरी टू अनदर पर्सन. ए पर्सन इज जनरली नॉट लायबल फॉर इंजुरी कॉज बाय द सीयर एक्सीडेंट. एक्सीडेंट को हम नहीं देख सकते, कहाँ पर होगा, किस समय होगा, कहाँ पर होगा, वो उसका हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, उसको हम बोलते हैं एन एक्सीडेंट. इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का केस में क्या होता है, दोनों पार्टी लायबल नहीं होते. सो जिम्मेदार उस एक्सीडेंट का जिम्मेदारी किसी पे भी बरताता नहीं है. मतलब ये जो पार्टी, दो पार्टी जो कलिशन हुआ है, दो पार्टी के अंडर जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज एन सीयर एक्सीडेंट, सीयर इंसिडेंट सॉरी. नेक्स्ट इज द एक्रीशन. एक्रीशन वर्ड है, जो एक्रीशन मीन्स एडिशन ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यू टू सम एक्ट ऑफ नेचर. फॉर एग्जाम्पल अर्थ एडेड टू ए पर्सन आफ्टर ए फ्लड. एग्जाम्पल से हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. ये एक पर्सन है, उसके पास एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन पे क्या हुआ, इस जमीन पे फ्लड के वजह से क्या हुआ, फ्लड के वजह से, फ्लड एक नेचर का एक ये है, एक्ट है, एक्ट ऑफ नेचर इज इस. एंड फ्लड के वजह से क्या हुआ, जो सॉयल है वो डिपॉजिट हुआ उस एग्रीकल्चरल लैंड में. सो इससे जो फर्टिलिटी रेट है, उसका उर्वरता जो है वो बढ़ जाएगा. सो ए गेट्स बेनिफिटेड. ए का क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज, मतलब उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा. सो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन. नेक्स्ट और लास्ट वर्ड फॉर टुडे, आज का लास्ट वर्ड है एक्यूज्ड. एक्यूज्ड हम किसको बोलते हैं, ए पर्सन हु इज एलेज्ड टू हैव कमिटेड ए क्राइम. जो कमिट किए हुए क्राइम को, एक पर्सन है वो एक क्राइम कमिट किए हुए हैं, तो इस समय क्या होगा, व्हेन द क्राइम करने जो विक्टिम है वो क्या करेगा, जो विक्टिम है वो फर्स्ट पुलिस थाने में जाकर FIR लॉन्च करेगा. सो FIR जब लॉन्च करेगा उसके नाम पे, सो पुलिस का क्या काम होगा, इसके बाद पुलिस विल अरेस्ट दैट पर्सन. पुलिस उसको जो ऑफेंस किए हुए हैं उनको अरेस्ट करेगा. सो ऑफेंडर को अरेस्ट करना पुलिस का काम आफ्टर FIR का बाद. उसको फिर जो अक्यूज पर्सन है उसको फिर कोर्ट में जाएगा. वो कोर्ट में जाने के बाद उसका कोर्ट डिसीजन देगा. आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द होल थिंग वो कोर्ट क्या बोलेगा, जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड है और वो एक्यूज्ड नहीं है. सो ये चीज कब पता चलेगा, आफ्टर द कोर्ट्स डिसीजन. सो दिस इज द थिंग, जो ऑफेंस किए हुए हैं उनको क्या बोलेंगे हम, एक्यूज्ड पर्सन. सो दिस इज द लास्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड है ये. सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक आवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.